आज हम लोग का ये लास्ट डे है यांगते में। आज हम लोग यहाँ से निकलेगा, पहले जाएगा पालिन, पालिन से फिर निकल जाएगा ईटानगर के लिए। बट जाने से पहले हम लोग जो है आज एक पैराग्लाइडिंग का एक आखिरी टेस्ट होगा। वहाँ कहीं से बाइक को रखा हुआ है पालिन में। गाड़ी वाला के लिए तो इश्यू नहीं है, बट हम बाइक में आए तो रात को बाइक से राइड करके जाना थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नमस्ते, नमस्कार सबको, गुरु का प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5XL गुरु के है। राकेश चाय बना दो ना, चाय। तो मेरे लिए तो हो गया था, बट इन लोगों का टीम के लिए थोड़ा सा वॉइस चाहिए इन लोगों को। तो जेटपीएम सर का भी फिर से ये लोग वॉइस रिकॉर्ड करेगा। अरे हम आप लोगों को मेरा लोग इसको नहीं मिला है ना, सुमन। ये कैमरा में बहुत अगली आ रहा है, अरे लेकिन हैंडसम है लड़का जरा। उसका हम लोग में से एक्चुअली कोई भी नहीं नहाया, आप देख सकते हैं। हम तो एटलीस्ट कपड़ा चेंज किया, हम तो नहाए थे, हम सर्विस कपड़ा चेंज किया। ये दोनों जो अब जैसे आया वैसे का वैसे ही ये लोग, और जूत मार रहे नहीं नहाया, ये सिर्फ पासपोर्ट मारा है और नहीं नहाया। ठीक है पासपोर्ट देखो जो। अभी कहाँ जा रहा है हम? अभी हम लोग पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। टेक ऑफ कहीं और से होगा और हम लोग जा रहा है जहाँ लैंडिंग करने। हाँ, मैं भी साफ सफा हूँ, मुझे भी बात कीजिए। फाइनली ड्रेस चेंज कर लिया। बहुत मेहनत के बाद जब इतना सारा फॉर्मल प्रोग्राम यहाँ में चला है, तब भाई साहब जो गंदा पंडाला जगह में है। अभी जब हम लोग पालिन वापस निकाल रहे हैं तो पूरा फॉर्मल। हेलो पहुंच गया हम लोग लैंडिंग वाला एरिया में, और कैमरा में विजिबल है कि नहीं पता नहीं। वो ऊपर से टेक ऑफ करेगा और लैंडिंग करेगा ये खेती वाला एरिया में। आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक हो तो मज़ा आ जाएगा। अभी जैसे वहाँ से टेक ऑफ करेगा दिखाएगा आप लोगों को। और हम लोग जो है जहाँ स्टे करा था वहाँ से हम लोग काफ़ी दूर आ चुका है। ये जगह का नाम क्या, पर्टिकुलर कुछ नाम है क्या? है बस्ती कुछ ये जगह? ओके, तो मैं भी अपना बस्ती उस्ती है कहते ना। यंगते का खेती में बोला। तो टेक ऑफ हो गया, अभी फ्लाई कर रहा है, बहुत ही दूर में है। तो पायलट सर, हाउ वाज द फ्लाइट? बढ़िया था फ्लाइट, बढ़िया लगा। अच्छा भी ठीक है, सेफ फ्लाइट है। ये जो कपड़ा है उसको कैनोपी बोलता है, उसको राइजर बोलता है, और जो पहना हुआ है उसको हार्नेस बोलता है। अच्छा, और इसको कहता है हेलमेट। और मेरा इसमें और इस तरह एक दो है रिजा बोल के, और ये जगह तो बहुत सेफ जगह है पैराग्लाइडिंग करने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है। तो इसका अंदर में ना एक्स्ट्रा है ना, ये जो रस्सी से ट्रिगर करेगा सर, जब इसको जब इमरजेंसी होगा सराक तान देगा, ये टक निकलेगा, इससे एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ से सब निकल के खुल जाएगा। एयरबैग जैसे खास एयरबैग जैसे काम करेगा। मैंने खुद ही मजा लो, खुद ही मेहनत करो ना। वाह सुंदर पैकिंग किया है। इसका हेलमेट भी कॉस्टली होता होगा ना? ये 15 बाप रे।
और आपका जो ये पूरा इक्विपमेंट्स है उसका कितना होगा टोटल प्राइस? टोटल 3,10,000 बाप रे। तो जाने से पहले हम लोग को वो जो घर देख रहे हैं आप, जेटपीएम सर का घर है, वहाँ में हम लोग को ब्रेकफास्ट के लिए इन्वाइट किया। और ये है यहाँ का आईवी जहाँ हम लोग स्टे किया था, तो आप लोग भी आते तो आप लोग भी यहाँ आके बैठ सकते हैं। और ये है आईवी का केयर टेकर राकेश, बस इससे थोड़ा संभाल के, आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से केयर कर देता है। सिर्फ एक चीज कमी है इसमें, क्या राकेश बता दो? कमी क्या है? नहीं बता दो क्या, हम क्या चीज के बारे में बोल रहे हैं? मेरा तो कुछ भी कमी नहीं है। बहुत बात करता है ये आदमी, थोड़ा संभाल के गाइस, बी केयरफुल। बाकी आदमी बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छे से ख्याल करेगा। जो मुँह खुल गया बोलने, देखो गाइस एग्जांपल देखो, अभी यहाँ शुरू हो जाएगा, चलो शुरू होता है इसलिए नहीं बोला गया। चलो बोलो ना, कुछ नहीं ना बोलो ना। और बाकी कितना साल से है यहाँ में? 7 साल हो गया। हमको निशी में बात करके थोड़ा देखो, लम्बा चौड़ा बात करके सुनो ना। मेरा नाम भी किमिन, किमिन सीजा दो वो गाँव के सीजा 7 साल पाकू सीजा बिंच तो होगो दो मैं सारा आधा हा बोलो होगो होगो इसी सहाता तेंग बोलो वो तो आतु जिदू दूंगो तो तुमको आतु चिंग पाई होगो होगो जिदू लगे ये रखा बिंच ओके बिंच ऐसा दो मैं। चलो थैंक यू, अच्छा लगा गाइस, इसका सोल्यूशन भी मिल गया। आप इनकेस कभी यहाँ आता और ये बहुत बात कर रहा है बोलने से, अपना जो मोबाइल का कैमरा उसको ऑन कर लो, चुप हो जाएगा ये जो। अब जैसे कैमरा ऑन किया इसका मुंह बंद, शर्म लग के वहां में क्या क्या एक्टिंग कर रहे थे। फिर से आ गया हमने सरका घर में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया जब हम लोग यांगती को छोड़ के जा रहे हैं और सर को भी टाटा बाय बाय करने का समय आ गया। तुम तो हमारे साथ जा रहे, क्यों भाई कर रहे? यांगती आगे कैसा लगा? बहुत सुना था, मतलब करा दादी कुरुंग प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ आके ऐसे कुछ भी नहीं लगा है। आप लोग भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है, आदमी लोग भी बहुत फ्रेंडली है, और हॉस्पिटैलिटी तो मत पूछो, उपाय नहीं। चलो थैंक यू सर, तब तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मेरा फेवरेट आदमी बन गया आप जो यांगते का ना। आइए आप लोग का साथ मैं हूँ जी, जरूर जरूर सर मैं हूँ, आप यहाँ कोई चिंता लेने का। तो गाइस कभी कोई किसी का यांगते में आने का प्लान है तो आके आप लोग सीधा सर को मिलो, ये यहाँ का हमको मिल सकता है जी। तो ये यहाँ का आईवी है और सर का घर यहाँ पे है, सर बहुत ही दिलदार वाला आदमी है। चलो अभी निकलने का टाइम आ गया, डाल लेते हैं, बाय बाय यांगते, अच्छा लगा। तो गाइस अभी हम लोग आ रहा था तो देखे तो ये ब्रिज जो है टूटा हुआ है, एक टायर तो यहाँ से आ जाएगा बट दूसरा टायर के लिए रिस्की है, इसलिए अभी गाड़ी को वो नीचे से ले जाएगा, वेरी रिस्की। हम लोग तो सबका सब उतर गया, अभी लेट्स सी। आ गया गाड़ी निकल के। आने का टाइम में ये वाला जो सेक्शन है ट्राई जंक्शन है, इसको दिखाने के लिए भूल गया था, मिस हो गया था, तो अभी यहाँ पे आया। तो मेरा पीछे आप जो ये रोड देख सकते हैं, हम लोग आए यहाँ से जाता है यांगते ताली और यहाँ से जाता है कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही यहाँ पे गांव वाला लोग हैं, बस्ती का औरत लोग जो है ऑर्गेनिक वाला, एकदम ऑर्गेनिक वाला सब्जी फ्रूट्स वो सब सेल करता है यहाँ पे। दोस्त यहाँ पे सब्जी का दाम बहुत कम है, सब्जियों का ऑर्गेनिक है, एकदम प्योर ऑर्गेनिक है, नो केमिकल। यहाँ में आपको गर्मा गर्म लोकल आलू भी मिलेगा खाने के लिए, मैगी भी बन रहा है, मैगी मिल रहा। हम लोग भी अभी यहाँ से जलाए वाला आलू ले रहे हैं, गाड़ी में खा खा के जाएगा। तो हम लोग जो ये लोकल आलू खरीदे खाने के लिए, टेस्टी है, थोड़ा नमक कौन सा और मजा आ रहा था। तकाम सर का विलेज है, विलेज का नाम है संग्राम डोकियो लंगफो, तकम पारियों का घर भी यहाँ है, तकम संजय का घर भी यहाँ है, हमारा घर भी यहाँ है, नीचे हमारा घर वहाँ से दिख जाएगा,
ये हमारा ग्रैंड माँ यहाँ रहता है, अभी थाला मार के कहीं घूमने गया है ग्रैंड मदर। ये है हमारा घर, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, सीधा जाएंगे। ओ ग्रैंड मदर यहाँ मिल गया या ये सब ब्लैक ब्लैक पहना हुआ यार। हम पे तो कोला दो यार ला कोला टी बी एलो आलो रो को को बुआई यार हम करम मुलो दिन दिन आ जाएगा इतना दिन से पुरा आ जाएगा। यंग तक यहां पे ना ऐ ले तुम ऐ ये है पतंग परियों का बिल्डिंग, ये है और ये है चर्च, बस्ती का चर्च है। मैं ये नाव का शेप में बने ये चर्च। ये एक हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल में ये घर को बनाया गया है, जिसमें तीन चोला है, ठीक है, वो बनाया गया है। और ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट एरिया के लिए बहुत अच्छा जगह है, होम स्टेज वगैरह के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। इसमें बहुत सारा व्यूज है, व्यू पॉइंट है, नीचे नदी है, ये पहाड़ का ऊपर पहाड़ को काट के बनाया गया है। इस पे नमस्ते अंकल। नमस्कार। ना पैरा ग्लाइडिंग जाना काफी इन याद कुना है। हम जाएगा तो घूमते घूमते हम पहुंच गए पालिनका दुई विलेज में। और ये जो दुई विलेज है, इसको यहाँ पहुंचने के लिए पालिनका बैक साइड से होकर आना पड़ता है। और ये रोड से आप चंबंग भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पालिन और वापस वही सेम होम स्टे में आ गया। तो मैडम ने गरम गरम चाय बना दिया और यहाँ डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है, इनसे ड्रोन का जो शॉट्स है वो ले रहा है। तो चाय पी के जैसे ही पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा निकलेगा यहाँ से। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा तो श्योर होने वाला है। और एग्जैक्ट दो दिन का बाद अपना डोगा को मिल रहा है। जो फर्स्ट टाइम ये व्लॉग देख रहा है उसको बता देगा डोगा यानी कि मेरा बाइक, जो मेरा बाइक इसका नाम को रखा है डोगा। गाड़ी तक का सफर यही तक था, अभी ये लोग गरम गरम आराम से गाड़ी में जाएगा और हम जाएगा मस्त हवा खा के, जर्नी और जगह को फील करके अपना बाइक में। लगेज को बांध दिया, लगेज को बांध लिया, फिर यहां से सीधा मिलेगा जहां लंच करेगा। पालिन भी अच्छा लगा और यांगते तो और भी बढ़िया लगा। यांगते का आदमी लोग, उसका लोकेशन वगैरह सब बढ़िया लगा। इतना बढ़िया से खिलाया पिलाया और घर जैसा ट्रीटमेंट दिया। जेपीएम सर और तारतातप सर लोग को हमेशा याद रखेगा और उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू जिन जिन लोगों ने यांगते का ये जो दो दिन है इसको यादगार बनाने में हेल्प किया। फिलहाल इस बार तो सिर्फ दो जगह को एक्सप्लोर किया पालिन एंड यांग थे, बट आगे मौका मिला तो पूरा करादादी एक्सप्लोर करेगा और आगे कुरुंकू में घूमने का भी प्लान करेगा। होम स्टे से नीचे आते ही अपना एक ईटानगर का भाई जो पालिन में ही रहता है उसको मिल गया। कुछ देर बात करने के बाद अपना सफर को कंटिन्यू किया। ये वाला पार्ट को रात में क्रॉस किया था, बहुत ही तकलीफ से दोनों पैर को उतार के चलाया था। देवमुख से पालिन तक आने में पेट्रोल का जो ये स्टिक है इसमें सिर्फ दो स्टिक ही किया। ऊपर से आने का टाइम हम तो गलती से ऑल पालिन तक भी चला गया था, और बट फिर भी अभी पेट्रोल भरा लेता है। आज लास्ट डे है तो पूरा टीम जो साथ में आया उन सभी को थैंक यू। घर पहुंच के कुछ दिन के लिए मिस करेगा वो, साथ में घूमना, साथ में रहना, मस्ती करना, ये सब। थकम पवित्र जो कि फर्स्ट और इकलौता टूर ऑपरेटर है करा दादी का, तो उसको भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। निक नाथुंग ब्रो को भी थैंक यू। ये पूरा ड्रोन शॉट आपने जो देखा ये पूरा सीरीज में ये उसी का लिया वाला है। डिस्क्रिप्शन में तकाम पवित्र और निक नाथुंग दोनों का नंबर दिया हुआ है, जरूरत पड़े तो कॉल कर सकते हैं। सुमन और अपना बिमल नाथुंग का कंपनी भी बहुत अच्छा लगा, दोनों काफी कूल है। और अपना बिमल नाथुंग ने तो झंडा गार के आ गया, फर्स्ट इंसान जिसने करा दादी में पैराग्लाइडिंग किया। यहाँ आके सबसे मजा लगा इन लोगों का जो ये फोक टेल्स है वो सब पुराना जमाना का कहानी, इंसिडेंट वगैरह, मीगे मीरे, पलंग सांगरी, फोर फादर्स का वो फाउंडेशन स्टोन वगैरह, ये सब का बारे जान के बहुत अच्छा लगा।
बचपन में ये सब टाइप का कहानी सुनने मिलता था, बट इस बार इसको फील भी करके आया। आई एम श्योर कि आप में से जो करादादी से बिलोंग करता है उनको भी ये सब जगह का बारे में आइडिया नहीं था होगा। तो हमको थैंक यू बोलने के लिए एक ठोको लाइक। स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरा व्यूअर्स को, जो भी ये व्लॉग देख रहा है और ये जगह से बिलोंग करता है, काइंडली ये अनएक्सप्लोर्ड करादादी सीरीज का जो व्लॉग है इसको शेयर करो, अपना फ्रेंड्स लोग को दिखाओ। शुरुआत आपसे ही होगा, उसके बाद बाहर का टूरिस्ट को तो छोड़ ही दो। आप ट्राई करो कि अपना खुद का फ्रेंड को ही घुमाने के लिए लेके आओ करादादी में। आई एम श्योर उसके बाद खुद ब खुद इसका जो टूरिज्म सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा। और मेरा व्लॉग देख के अगर कोई यहाँ घूमने आता है तो हमको तो दिल से अच्छा लगेगा, लगे कि मेहनत जो बेकार नहीं गया। और यहाँ घूमने आता है तो फोटो खींच के हमको भी टैग करो, मजा आएगा। तो ये टाइप का रोड होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन अभी धीरे धीरे जाने वाला है, ये स्कॉर्पियो अंकल लोग को आगे भेज देता है, ये लोग जहाँ लंच करेगा वहाँ वेट करेगा मेरे लिए। अभी तो फिलहाल ये रोड में अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही कोई गाड़ी आएगा तो फ्री वाला नेचुरल पाउडर मिलेगा। और अभी तक ये सीरीज का पूरा एपिसोड हर एक व्लॉग नहीं देखा हो तो जाओ देखो, रुको पहले ये वाला व्लॉग को पूरा देख लो, उसके बाद जाके जो प्रीवियस वाला व्लॉग है ये करादादी सीरीज का इसको देखो जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। तो आपका गुरु जो है बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो आप लोग भी सपोर्ट करते हुए व्लॉग को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर नया है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो, साथ ही बाकी लोग को भी बताओ। क्योंकि ना कुछ लोग जो है जब घूमने जाता है तो व्लॉग बनाता है, बट हम वो हैं जो व्लॉग बनाने के लिए घूमने जाता है। ये ब्रिज पहुंच के अच्छा रोड आ गया, मीन्स समझो दीद पहुंच गया। आने का टाइम दीद को नहीं दिखा पाया था क्योंकि गोप्रो का बैटरी जो है मर गया। तो अभी देख लो, दीद इसलिए दिखाया क्योंकि मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स लोग यहाँ का है और उन लोगों का मुंह से बार बार दीद का नाम सुनने मिलता था, तो इस बार फाइनली खुद भी दीद को देख ही लिया। थोड़ा आसपास का आपको एरिया दिखा देता है, दिस इज तालो। तो यहाँ पे लाइन होटल्स हैं, हम लोग यहाँ में अभी लंच करने वाला है। तो कैसा लगा मतलब आपको जर्नी? कौन बोले बाइक लेके आने के लिए? ना मजा है उल्टा, ये आप नया एक डेस्टिनेशन में जा रहे हो, जगह का फील कर सकता है। देखो फोर व्हीलर मूव्स योर बॉडी बट टू व्हीलर मूव्स योर सोल, ये बात याद रखना। करादादी जाके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू तकाम सर हम लोग को यहाँ पे करादादी घुमाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आज जाने का मेन मकसद जो ये था कि एज करादादी एज एन अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन, यहाँ पे टूरिज्म है नहीं बट नज़ारा बहुत सुंदर है करादादी अपने आप में, लॉट्स ऑफ कल्चर्स, लॉट्स ऑफ ट्रेडिशंस, मिक्स कल्चर भी है वहाँ पे, एंड देन वो डिफरेंट मतलब क्या बोलेगा, अभी आज हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है, पैराग्लाइडिंग आज हमारा ऑपरेट हो गया, ओपनिंग हो गया, ठीक है। तो करादादी आइए घूमिए आप, ये रे रोड इज नॉट कंसर्न, जो घूमना चाहते हैं उनके लिए रोड बहुत कंसर्न नहीं है, रोड इज फाइन, हम बस वही बोलेगा करादादी आइए मजा तो लेके जाइए। ये हम लोग का ड्रोन मालिक, हमको आज अपना हाँ मेन डायरेक्टर। गाइस अभी थोड़ा लेट हो चुका है तो व्लॉग को जो है यहीं पे एंड करेगा, और अभी यहाँ से हम लोग जोराम से फिर वापस सीधा घर के लिए। तो अभी थोड़ा राइडिंग में फोकस करेगा, अभी लेट होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, तो व्लॉग को हम यहीं एंड करने वाला है। आई होप कि आप सबको आज का ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और ये जो पूरा अनएक्सप्लोर्ड करादादी डिस्ट्रिक्ट का जो ये सीरीज है, आई होप आपको उसका हर एक एक एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो जैसे पहले बोला था, ये सीरीज को देख के, मेरा व्लॉग को देख के अगर एक भी आदमी करादादी को विजिट करता है तो दिल से अच्छा लगेगा। गाइस आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता है, आओ एक बार विजिट करो तब आपको पता चलेगा। तो एनीवेज गाइस आज के लिए इतना ही, आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पे है नए है तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो सबको अभी यहाँ से टाटा बाय बाय करने का समय आ गया, यहाँ से सब अलग अलग हो जाएगा। तो आप सबसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको मेरे अगले व्लॉग में मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है 5XL गुरु के।